हम बिर के जुड़वा भाई लगते हैं ये सही है लोग कहते भी हैं लेकिन ऐसा नहीं है भीर... चुनावी यात्रा में हम निकल चुके हैं फाफा माऊ की तरफ इस समय ये होलागढ़ का क्षेत्र है और पूर्व विधायक अंसार अहमद जी लोगों के पास जा रहे हैं वोट मांग रहे हैं सबसे खास बात यह है कि इनकी जो मूछे हैं वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है तो पहले हम इनसे पूछेंगे कि मूँछे रखने का बड़ी कारण क्या है <laughs> मूछ देखिए अपनी अपनी शौक होती है हम बीरप्पन के जुड़वा भाई लगते हैं ये सही है लोग कहते भी हैं लेकिन ऐसा नहीं है बीरप्पन जो है वो तो चंदन तस्कर था हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अंसार अहमद जी हैं गरीबों के बीच में रहते हैं गरीबों के दुख और सुख में रहते हैं चाहे जो बारह बजे रात के फोन कर दे उसके दरवाजे पहुँचते हैं और विकास का काम आपने ये कहा हिंदू मुस्लिम वाली बात हम सबसे पहले लाज जलाने वाला सिंगमेपुर घाट पे बनवाएं आप जाके देख लीजिए और हमारी सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे सबसे पहले नौजवानों को नौकरी देंगे नौजवान बच्चों को वो बच्चों को नौकरी देंगे और 300 सौ यूनिट बिजली फ्री देंगे और ये गरीबों को दस रुपया थाली खाना देंगे तमाम उनकी योजनाएं हैं किसानों की दो बोरी डी खाद देंगे यूरिया खाद देंगे और तीस लाख की गाड़ी जो कम की है वो, वो उसमें जो है वो टोल टैक्स नहीं लगेगा तमाम जो है अच्छी अच्छी योजनाओं का वो वो, वो, वो किए ऐलान है, किए हैं अच्छा विधायक जी बताइए कि डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी जी कहते हैं लगातार उज्ज्वला योजना घर देना और राशन दो दो बार देना तो विकास तो उन्होंने भी किया एक तरह ये जुमला जुमलाबाजों की सरकार है खाली जुमलाबाजी करके पूरे देश को किसान को शिक्षक को शिक्षा की यह हाल है दो साल से कोरोना लगा के दो दो साल से कोरोना लगा के जितने बच्चे बच्चियां हैं सब धीरे धीरे आप जानते हैं गांव का माहौल क्या है पढ़ाई से एकदम बिल्कुल वंचित हो गए हैं और कोरोना काल में ना ऑक्सीजन थी न सरकारी अस्पताल में कोई बेड था और न कोई डॉक्टर सुनने वाला था ना पूछने वाला था किसान जो है अब की बार समाजवादी पार्टी का जो चुनाव जो है वो किसान लड़ रहा है नौजवान लड़ रहा है यहाँ की जनता लड़ रही है और दो में इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा बिल्कुल जिम्मेदारी से कर रहे हैं विधायक जी इस बार राम मंदिर का भी मुद्दा हावी है क्या हिंदू मुस्लिम टाइप का नहीं, राम मंदिर राम मंदिर तो हमारे वो मुख्यमंत्री जी ने तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इससे बढ़िया इनसे भाजपा बढ़िया राष्ट्रीय रा, अध्यक्ष रा, रा मंदिर का निर्माण करेंगे बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो ये थे अंसार साहब जो इस समय पब्लिक के बीच में है और जनता का इनका कहना है कि पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इस बार जीत तो निश्चित है और सरकार भी समाजवादी पार्टी बनेगी